पार छाई, समीर चलता लचा लचा के, सुमन को भवरे गुलों को बुलबुल, सता रही है हसा हसा के, सता रही है हसा हसा के, सता रही है। कैसी बसंत है आई, मोरे मन में, मोरे मन में उमंग है छाई आई। कैसी बसंत है आई, देखो कैसी बसंत है दिखाई देती है जो कुछ बाहर गुलशन में। कलाई काम की छाई है मूर तन मन में। ये फूल फूल बसंती है आज बागों में। के भवरी कर रहे गुंजार मधुर रागों में। मोरे मन में उमंग है छाई आई। कैसी बसंत है आई, देखो कैसी बसंत है आई। ये कैसी खुशबू है जो मन को मेरे भाई है। नमी हवा की आज मुझको क्यों लुभाई है। ये क्या हुआ है मैं ये कैसे बताऊं तुमको। मेरा मन बस में नहीं कैसे जताऊं तुमको। सारी दुनिया लगे है पराई आई। कैसी बसंत है आई, देखो कैसी बसंत है आई। मोरे मन में यह है क्या, मेरा यह प्रयास भी विफल गया। देवराज इंद्र की आज्ञा मानकर मैं मेनका गंभा उर्वशी से यहां आया और जितना प्रयास कर सकता था किया, लेकिन देवराज इंद्र की तपस्या को मैं भंग ना कर सका। अब मैं क्या करूं। हां, मैं अपने वायु बाण का प्रयोग करता हूं और देवराज इंद्र की तपस्या को भंग करता हूं।
मेरा ये प्रयास भी विफल गया। अब मैं अपने अग्नि बाण का प्रयोग करता हूं। मेरा यह बाण विफल गया। अब मैं अपने सर्वशक्तिशाली काम बाण का प्रयोग करता हूं और देवराज इंद्र की तपस्या को बंद करता हूं। मेरे द्वारा किए गए सारे प्रयास विफल गए। अब तो एक ही प्रयास बचता है। राही माम। कामदेव, तुम्हारे आने का प्रयोजन? मुनिवर, आपकी कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र के मन में यह भय उत्पन्न हुआ कि कहीं आप उल्टे उनका इंद्रासन न जीत ले, और इसी डर के कारण उन्होंने मुझे मेनका, रंभा, उर्वशी आदि अप्सराओं सहित यहां आपकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं आपकी तपस्या को भंग ना कर सका, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। नारायण नारायण नारायण, कितने भीरु हैं तुम्हारे महाराज। अरे उनसे जाकर कहना, नारायण तो सदैव उनके हित की सोचता है, और मैंने तुम्हें भी कहर क्षमा किया। जाओ कामदेव, जाओ।